हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप। स्वागत करता हूँ अपने चैनल डिजिटल प्राइम में। यहाँ आपको करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप। स्वागत करता हूँ अपने चैनल डिजिटल प्राइम में। यहाँ आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑन डेली बेसिस। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछे जाने हैं। कोई भी डाउट है, कुछ भी आप सजेशन करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप हमारे इंस्टाग्राम पेज नॉलेज फैक्ट्री 2K20 पे जाके बता सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ऑप्शंस आर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यह हिमालय में बसा हुआ खूबसूरत सा राज्य है। इसकी कैपिटल है शिमला, यानी समर में इसकी कैपिटल शिमला हो जाती है और विंटर में इसकी कैपिटल धर्मशाला हो जाती है। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री जयराम ठाकुर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन सफल और मेनली फोकस ऑन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोथ्स? तो कॉटन के उत्पादित करने वाले किसानों के लिए कौन से बैंक ने डिसाइड किया है कि उनको सफल नाम की योजना से लोन दिया जाएगा? तो ऑप्शन आर ICICI बैंक, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है SBI बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, उसने क्या स्टार्ट किया है? सफल, जिससे कॉटन के जो फार्मर्स हैं उनको जल्दी से जल्दी लोन दिया जाएगा। चेयरपर्सन कौन है इसके? SBI के रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है SBI का? मुंबई में। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड कौन है, बेसिकली चलाता कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसे चलाता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस अ कैंपेन कॉल्ड असोल चीनी टू कॉम्बेट द स्प्रेड ऑफ फेक इंफॉर्मेशन एंड न्यूमरस ऑन सोशल मीडिया? ऑप्शन आर इंडिया, रशिया, बांग्लादेश, UAE। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने ये कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है असोल चीनी, किसके लिए? न्यूमरस जो कि फैलती हैं, फेक न्यूज फैलते हैं जो मीडिया सोशल मीडिया पे, उसके लिए। तो बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना, वहाँ की कैपिटल क्या है? ढाका। उन्होंने अभी क्या स्टार्ट किया है? असोल चीनी, जिससे जो कि फेक न्यूज होते हैं सोशल मीडिया पे, उसको बचने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। विच बैंक टॉप इज 2.0 इंडेक्स बाय IBA? ऑप्शन आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC। तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। एज पर ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लेस हैज बीन फर्स्ट, यानी कि ईज ऑफ बैंकिंग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट आया है पूरे भारत में, जितने भी भारत के पूरे बैंक हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अभी कौन कौन से बैंक मिल गए हैं? विजया बैंक एंड देना बैंक, तो तीनों मिलके ने एक बैंक बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब ये तीनों इकट्ठे हो गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सबको इकट्ठे कर दिया है। और ऑनर कौन हो गया इनका, इन तीनों बैंक का? बैंक ऑफ बड़ौदा का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच स्टेट CM लॉन्च्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली कृत्रिम एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ऑप्शन आर कर्नाटका, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका आंसर है कर्नाटका, यानी कर्नाटका। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के? BS येदियुरप्पा। उन्होंने ट्यूजडे को क्या किया है कि भाई कंट्री का पहला एयर एम्बुलेंस सिस्टम लॉन्च किया। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु।
who developed Medbot to provide food and medicine for COVID-19 patients. COVID-19 के रोगियों के लिए भोजन और दवा प्रदान करने के लिए मीडबॉट किसने विकसित किया है? ऑप्शन सात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर इंडियन रेलवे, भारतीय रेल ने स्टार्ट किया है ये। जानते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। इंडियन रेलवे डेवलप्ड रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली। ये बेसिकली एक ट्रॉली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, जिसका नाम है मीडबॉट। बेसिकली ये ऑटोमेटिक ट्रॉली है जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होगी, जो बेसिकली हेल्प करेगी COVID-19 के पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए। अभी के करंट के जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं, कौन है? पीयूष गोयल। हु अज्यूम्ड चार्ज एज CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपिंग लिमिटेड। CMD का मतलब है चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान शिपिंग लिमिटेड। ऑप्शंस आर दीपक मरिंडा, LV बासु, हेमंत खत्री, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हेमंत खत्री। उनको नया CMD बनाया जा रहा है हिंदुस्तान शिपिंग यार्ड लिमिटेड का। ICC T20 रैंकिंग में कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंची? ऑप्शन आर इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को, यानी जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है, ICC रैंकिंग में फर्स्ट पे आ गई है। किसके लिए? T20 क्रिकेट के लिए। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज आउट ऑफ ऑन एवरी ईयर ऑन डैश कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। ऑप्शन आर 10 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर। तो आंसर है इसका 10 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बेसिकली यहाँ पे जो आंकड़े हैं बहुत ही डरावने वाले हैं, देखिए जरा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या बोलता है कि हर साल 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये डे मनाया जाता है हर साल 10 सितंबर को, जिसका क्या नाम रखा गया है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अच्छी लगी है तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए। बट पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का आखिरी क्वेश्चन में पहुंच गए हम। तो आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? लेटर्स टू मदर बुक डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ डैश। ये जो बुक है लेटर टू मदर, किसकी जीवन पे आधारित है? ऑप्शन आर अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। तो चलिए जानते हैं इस बुक के बारे में। लेटर टू मदर बुक जो लिखी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पे लिखी गई है। बेसिकली जो लेटर्स लिखा करते थे हमारे प्रधानमंत्री अपने माताश्री को, तो उसको ही जोड़ के एक बुक बनाई गई है, लेटर्स टू मदर। तो वो जो बुक, जो लेटर्स थी वो गुजराती भाषा में थी, तो उसको ट्रांसलेट किसने किया है? पद्मश्री विनर, भावना सुमैया जो कि एक ऑर्थर हैं, उन्होंने एक बुक लिख दिया, मतलब उसको मिला के। तो यही था आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।